अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान सरकार की उस योजना की तरफ खींचना चाहती हूँ जिसमें रेलवे की 6 उत्पादन इकाइयों का कंपनीकरण किया जाने वाला है। इस योजना के प्रथम चरण में रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री होगी। अध्यक्ष महोदय, जो कंपनीकरण यानी कॉर्पोरेटाइजेशन का असली मायने नहीं जानते हैं, मैं उन्हें यह बताने की इजाजत चाहती हूँ कि कंपनीकरण दरअसल निजीकरण की शुरुआत है। यह देश की अमूल्य संपत्ति कौड़ियों के दाम चंद निजी हाथों के हवाले करने की पहला प्रक्रिया है। इससे हजारों हजारों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। असली चिंता तो इस बात की है कि सरकार ने इस प्रयोग के लिए रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री को चुना है, जो कि कई कामयाब परियोजनाओं में से एक है जिन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने देश के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने यानी मेक इन इंडिया के लिए शुरू किया था। आज इस कारखाने में उसकी बुनियादी क्षमता से भी काफी ज्यादा उत्पादन हो रहा है। भारतीय रेलवे का ये सबसे आधुनिक कारखाना है और सबसे सस्ती कीमतों पर सबसे बेहतर रेलवे कोच बनाने के लिए मशहूर है। ये सबसे अच्छी इकाइयों में से एक मानी जाती है जिसकी स्थापना के समय से ही सरकारों ने इसमें बहुत बहुत पैसा लगाया है। अपनी कड़ी मेहनत से यह उपलब्धि हासिल करने वाले 2000 से ज्यादा मजदूरों और कर्मचारियों को मैं इस सदन में बधाई देती हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि अब उन सभी का और उनके परिवारों का भविष्य भारी संकट में है और किसी को भी यह समझना मुश्किल है कि क्यों यह सरकार ऐसी औद्योगिक इकाई का कंपनीकरण करना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, संसद में अलग से रेल बजट पेश करने की इतनी पुरानी परंपरा तो पता नहीं इस सरकार ने क्यों अचानक खत्म कर डाली। लेकिन अब हम कंपनीकरण के इस तरह के कदमों की संसदीय छानबीन की उम्मीद भी न रखें। ऐसे मामलों में इस सदन के सामूहिक विवेक का इस्तेमाल करने की अपेक्षा भी न करें। सरकार ने इस फैसले को भी एक गहरा रास बनाकर रखा है। कारखानों की मजदूर यूनियन तक को विश्वास में नहीं लिया, न तो श्रमिकों को विश्वास में लिया जिनके पसीने से ये उद्योग करे हुए हैं। मैं सरकार को याद दिलाना चाहती हूँ कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का बुनियादी पर्व लोक कल्याण है, निजी पूंजीपतियों का लाभ पहुंचाना नहीं। अध्यक्ष महोदय, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। आज ये देखकर दुख अफसोस होता है कि इस तरह के ज्यादातर मंदिर खतरे में है। मुनाफे के बावजूद उनके कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है और कुछ खास पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें संकट में
डाल दिया गया है। HL, BSNL और MTNL के साथ क्या हो रहा है ये किसी से भी छिपा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आपके जरिए सरकार से अनुरोध करती हूँ कि वे रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री और सार्वजनिक क्षेत्र की सभी संपत्तियों की पूरी रक्षा करें और उन्हें इस मंजिल तक पहुंचाने वाले श्रमिकों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखें।